हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल प्रेजेंटेशन जो कि एसएमई डे 2019 के ऊपर है और हम यहाँ पे जुड़े हैं तीन यंग जनरेशन नेक्स्ट फाउंडर्स के साथ. हमारे साथ जुड़े हैं आज अर्जुन बजाज हु इज़ द फाउंडर ऑफ डाइवा एंड शिनको. वेलकम अर्जुन. वी ऑल्सो हैव विहान हु इज़ द फाउंडर फॉर मीडियाग्राफिक्स एंड वी हैव नमन फ्रॉम सोलो. सो हाउ आर यू गाइज डूइंग? डूइंग ग्रेट. हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट. एक्सीलेंट. Wonderful to be here. Thank you so much for having us. All right. So, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं ये सारे जनरेशन नेक्स्ट यू नो SMEs एंड MSME यू नो फाउंडर्स के साथ, और वो ये बात करने वाले हैं कि क्या है नेक्स्ट स्कोप इन द SME एंड MSME स्पेस, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी की बात आती है. तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन से. अर्जुन, थोड़ा सा बताइए हमें कि व्हाट इज़ डाइवा एंड शिंक. यू नो इट्स अ स्मार्ट टीवी ब्रांड, बट आप हमें बताएं कि यू नो इसमें आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं, नॉट जस्ट कंज्यूमर एंड पे बट अपने इंटरनल प्रोसेसेस के लिए भी. तो डाइवा और शिनको जैसे आपने कहा स्मार्ट टीवी ब्रांड ही है, तो हमारा जो बैकएंड में जो सारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के रिलेटेड जो सारा हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ रहता है वो सारा इज़ लिंक्ड. मतलब जैसे पहले होता था फैक्ट्रीज बड़ी ट्रेडिशनल, वो एक कहते हैं ना कारखाना टाइप है, तो आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है. आज की डेट में हमारे सारे सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुके हैं. एवरीथिंग आपका पूरा इनपुट से लेके आउटपुट तक सारा सिस्टम ओरिएंटेड है और सारा मोस्टली क्लाउड बेस्ड है, सर्वर बेस्ड है, और आपका हर स्टेज पे बी एड क्वालिटी, आपका यहाँ पे प्रोडक्शन, आपका हर डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं SMT डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहाँ से अगर एक और डिपार्टमेंट में जाना है तो एक सिस्टम है, स्कैनिंग है, वो स्कैनिंग आपके सर्वर से लिंक हो रही है. अगर उस सर्वर में एंट्री नहीं होती होती तो इनवॉइस नहीं जनरेट हो सकती, अगर इनवॉइस नहीं जनरेट होगी तो वो बाहर नहीं जा सकता. तो वो हर एक चीज़ एक आज की डेट में एक लिंक्ड है. उससे क्या रहता है, हर डिपार्टमेंट के हेड्स को पता होता है कि उनकी डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है, उनके उनको इम्प्रूवमेंट्स कहाँ करनी है, उनको अपना टाइम में कैसे चीज़ें करनी है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक सिस्टम हम लोगों ने अपने लिए एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन बनवा रखे हैं, जिससे हम लोग अपने सिस्टम सारे स्मूथ करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को लिंक करते हैं, और उसी से ही है कि आज हम इस लेवल पे खड़े हैं. अच्छा नमन, मैं अगर आपसे पूछूं क्या शिफ्ट देखा आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस से, जब आपने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की तो आपका कैसे सोलो का जो बिजनेस मॉडल था वो थोड़ा सा चेंज हुआ या फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस आए, कुछ बताइए हमें. फॉर पास्ट 25 years द ब्रांड हैज़ बीन देयर. नाउ लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, नाउ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इट वॉज इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस कि आप कितना लेबर को कॉम्प्रोमाइज करोगे, कितना आप ऑटोमेट करोगे. एंड ऑटोमेशन इज द वे टू गो अहेड. मतलब कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इंक्रीज होते रहेंगे. तो फॉर अस, हमने पहले जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हो रही थी, अब वो पूरी अब ऑटोमेटिक हो गई है कि मतलब इनपुट से लेके आउटपुट तक, जैसे अर्जुन ने कहा वो हो गया. नाउ हमारे साथ रॉ मटेरियल्स मैनेजमेंट टू एंड टू एंड स्टैकिंग वेयर हाउसिंग के अंदर सब ऑटोमेटेड है. तो मतलब आपके हेड को पता होगा कि अगर ये जॉब आ रहा है कि रॉ मटेरियल कितना इनपुट हुआ हुआ है, रॉ मटेरियल अपने आप ऑर्डर चले जाएगा, सप्लाई जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनको जैसे भी कोई जॉब अंडरटेक कर रहे हैं. अब इसके लिए जैसे कि अब सब जैसे ऑन्टरप्रेन्योर्स है, सब जो डायरेक्टर मैनेजमेंट है वो सब ट्रैवल करते रहे, टू गो अवेलेबिलिटी जो है मटेरियल्स की और सारे मतलब जॉब प्रोसेस की का ओवरव्यू सब सारा क्लाउड की वजह से सब एक एट अ ग्लांस आपको मिल जाता है कि अगर आपकी 200 लोगों की फैक्ट्री है दिन की, आपको एंड में जो आपका जॉब रिपोर्ट पूरे दिन का एक पेपर पे समराइज होके सब आ सकते हैं. दैट्स ओनली पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी. नमन, व्हाट अबाउट यू? मतलब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन थोड़ा सा टफ प्रोसेस था आपके लिए या फिर बहुत स्मूथली हो गया कि नमन ने बोला कि बस अब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए? फॉर्चुनेटली माई फादर इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, ही इज ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व. तो मतलब हम टेक्नोलॉजी के मामले, हमारी कंपनी ने मेरे आने से पहले उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करी है जो मेरे को भी नहीं समझ में आई. okay. मेरे को रीड अप करना पड़ा, मेरे को समझना पड़ा कि वो टेक्नोलॉजी हम कहाँ पे है. मतलब एक लेवल जो ट्रांजिशन मैंने सोचा था उससे आगे था बिजनेस. तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, विच आई थिंक वाज वेरी गुड साइन बिकॉज आई वाज एबल टू पुश माई सेल्फ टू लाइक लर्न न्यू थिंग्स. जैसे कि सेल्समैन के लिए फॉर पास्ट 5 years हम ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं कि सेल्समैन जाके जियो टैगिंग होगी, अगर कोई ऑर्डर ले रहा है वो किसी स्टोर से, कि वहीं से सारा डेटा
अपने आप कॉम्प्यूट हो जाएगा, अपने आप वेयरहाउस में ऑर्डर पहुंच जाएगा, वेयरहाउस से प्रोसेस हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है. तो सारा ऑटोमेट प्रोसेस कर दिया था ताकि ह्यूमन एरर जो था ताकि वो और मिनिमाइज होता रहे, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है आगे चल के. तो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के मामले में तो मैं काफ़ी, मतलब मेरे लिए चैलेंज था कि अपने आप को फिट करना. तो उसके चैलेंज आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं था, पर नमन के लिए पर्सनली मेरे लिए पर्सनल चैलेंज था, क्योंकि फादर और ब्रदर दोनों ने इंजीनियरिंग करी हुई है. And then they were step ahead and I had to like buckle up, buckle up and you know go and read about all those things. Well, that's very nice to hear because SME or MSME space में हमें इतना technology adoption नहीं देखने को मिलता है. In fact, it is growing. But Vihan, what are your thoughts? कभी मुश्किल होता है SMEs को, challenges क्या आते हैं कि हम लोग technology adopt करें नहीं करें, या जैसा business चल रहा है वैसे ही चलते रहने देते हैं? नहीं, वैसे अगर चलेगा तो growth नहीं होगी, और ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी ही काम आएगी उसको तेज़ करने के लिए. तो अडॉप्शन की यहाँ पे बात की, मुझे ये बताइए कि यू नो द टेक्नोलॉजी कंपनीज जिनके साथ आपने कोलैबोरेट किया अपने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के लिए, उनके बिहाफ से ट्रेनिंग कितना मैटर करता है टू योर एम्प्लॉयज़ या टू योर लाइन मैनेजर्स टू एक्चुअली नो कि ये प्रोसेस हमें कितना बेनिफिशियल रहेगा और हमें कितना ईजी रहेगा? उनकी तरफ से क्या ट्रेनिंग आपको मदद मिलती है? ट्रेनिंग बीट एनीथिंग, जो भी चीज़ नहीं होगी उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. और जो सिस्टम डेवलपर्स हैं और जो सिस्टम जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसके भी आप उनको ट्रेनिंग, क्योंकि अगर ट्रेनिंग ना हो तो शायद उनको समझ ना आए कि जी हमने ये सिस्टम ऑपरेट कैसे करना है. तो उन सब चीज़ों को करते हुए एक यूजुअली क्या होता है कि एक वो सिस्टम डेवलपर्स जो सिस्टम इम्प्लीमेंटर्स होते हैं उनके वहाँ से एक टीम असाइन केयर करी जाती है जो आके हमारे पूरे स्टाफ को पूरे हेड्स को ट्रेन करती है. और उनके वहाँ से भी यूजुअली क्या होता है एक टीम वो हमारी कंपनी के अंदर हमेशा रहती है ताकि कहीं पे भी कोई सिस्टम एरर हो या कुछ हो वो इमीडिएट रेक्टिफाई हो, और अगर लाइन मैनेजर्स या किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो उसी टाइम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं. आप ट्रेनिंग दे दीजिए बट जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे आपको वो कभी समझ नहीं आएगा. एंड वो हर एक चीज़ के साथ है, आप कुछ भी कर लीजिए जब तक आप खुद नहीं उस चीज़ को करते आप शायद उसको इतना अच्छे से जज ना कर पाएँ और यूज़ ना कर पाएँ. तो उसके लिए एक टीम हमेशा रहती है, और इनफैक्ट कंपनी में भी एक सेपरेट टीम खड़ी करी जाती है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो अगर उनके वहाँ से नहीं है तो हमारी एक इनहाउस टीम होनी चाहिए जो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर पाए. चलिए, ये तो बात हुई पूरे यू नो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और उसकी, बट फ्यूचर में एज यंग यू नो एसएमई स्टेक होल्डर्स, फ्यूचर में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वेयर दिस इंटायर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज गोइंग इन द एसएमई स्पेस, एंड कैसे ये और बिजनेस को बेनिफिशियल कर सकता है, या आपकी क्या यू नो डिमांड है फ्रॉम यू नो दीज बिग टेक कंपनीज लाइक डेल टू डिलीवर ऑन योर नीड्स? फ्यूचर में आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो इज ऑल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल बेस्ड ऑन ऑटोमेशन. जितना आज आपका है ऑटोमेशन में अगर कहूँ तो ऑटोमेशन शायद अभी बहुत मिनिमल है, चाहे जितना मर्जी भी लोग कह लें कि ऑटोमेशन इज दिस इज नो, इट्स वेरी मिनिमल. बट इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, मे बी अ डेकेड फ्रॉम नाउ, यू विल सी मोस्ट ऑफ थिंग्स बींग फुली ऑटोमेटिक, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू योर सिस्टम्स टू योर एवरी डिपार्टमेंट, टू योर HR, टू योर ऑपरेशंस, एवरी थिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी automated, and that is also a big threat to the industry. कि अगर इतना automation हो जाए तो employment का क्या होगा? So all these factors have to be catered well by all these companies. जो ये system develop करेंगी, चाहे production के लिए करें, चाहे cloud के लिए करें, चाहे किसी भी चीज़ के लिए करें, तो वो सारे factors हैं जो important role play करेंगे. But yes, artificial intelligence, automation, ये है जो आपका आने वाला future है. Automation तो it's creating convenience, मैं ये सजेस्ट करूँगा. कन्वीनियंस बहुत तेज़ हो रही है, मार्केटिंग टूल्स आ रहे हैं ऑटोमेशन में, एंड लोग अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे टूल्स ये यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेट करने के लिए, अपना टाइम बचाना है बेसिकली. मैं टोटली बिलीव करता हूँ ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि इससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आप स्ट्रैटेजी पर कॉन्सनट्रेट कर सकते हो जो आपको एक्चुअली करना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो पुराने काम है उसको आई थिंक आप होल्ड ऑफ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो. इससे अच्छा है सॉफ्टवेयर आ जाए ऑटोमेट करने के लिए. बात रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो फ्यूचर है और वो ही चलेगा. और ह्यूमन रिसोर्स की, एच ह्यूमन कोई नहीं भूल सकता, ह्यूमन रहेगा ही रहेगा उस चीज़ के लिए. चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड व्हाट आर योर थॉट्स नमन ऑन दिस? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी नीड टू टेक इनिशिएटिव्स टू रियली लाइक गेट पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टेक्नोलॉजीज आर, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल SMEs, यू नो फैमिली बिजनेसेस एंड लाइक ट्रेडिशनल सेटअप्स, उनको आइडिया ही नहीं है टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच चुकी है.
एक तो एक इनहेरेंटली उनको एक फियर है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में टाइम बहुत लगता है. यू नो, अगर आप कोई भी एक नया स्टेप लेते हो उसको कम से कम पूरा फेज को इम्प्लीमेंट करने में 6 से 7 महीने तक का टाइम लग सकता है, विच वो थोड़ा फियरफुल होते हैं काफ़ी ट्रेडिशनल सेटअप. तो मतलब एक उनको अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा ताकि एक आप इकोसिस्टम बैलेंस हो. जैसे अगर मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुका हूँ, मेरे सप्लायर्स नहीं करते, तो जो मिसमैच है ना, अगर हमें प्रोग्रेसिव ग्रोथ देखनी है अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस द सेटअप, फॉर मी ऑल्सो टू एडवांस, आई वॉन्ट माई सप्लायर्स ऑल्सो टू हैव दैट टेक्नोलॉजी लेवल, ताकि एक सीमलेस मतलब वो इको सिस्टम क्रिएट हो. तो उसके लिए पहले काफ़ी अवेयरनेस रेज करनी चाहिए, स्पेशली जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए. दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट ऑब्वियसली मेक्स सेंस फॉर देम टू ग्रो देयर बिजनेस ऑल्सो फॉर द टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, बट ये माइंड सेट चेंज करना इज़ वेरी बिग इशू राइट नाउ इन इंडिया. आई थिंक नमन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि माइंड सेट चेंज करना और अवेयरनेस आई थिंक सबसे बड़े चैलेंजेस हैं. इनफैक्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से भी बड़े चैलेंजेस से निकलना भी एक चैलेंज है. एक चैलेंज है बिल्कुल. बट आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है. यू नो, एवरी ब्रांड वॉन्ट्स टू गो ग्लोबल. एंड वॉट डू यू थिंक प्लेज द की रोल, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी में भी वो क्या एक चीज़ स्पेसिफिक है दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग योर कंपनी ग्लोबल? अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका जो प्रोडक्ट है, आई बिलीव दैट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तब आप चाहे एक MSME रहे, एक SME रहे, चाहे आप एक ग्लोबल कंपनी बन जाए, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल. आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपकी उसके बाद सर्विस अच्छी है, यू आर अ सक्सेसफुल कंपनी. बट व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी, क्या रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी आपको वहाँ तक ले जाने में? सी, आई फील द सिस्टम इंटीग्रेशन, जो आपकी टेक्नोलॉजी जो इंटीग्रेट, जो आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बैठे हैं और आपने कहीं एक और कंट्री में आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा हो और आपकी हैं, जो आपका एक इंटीग्रेशन रहता है और एक आपकी जो एक कम्युनिकेशन जो रहती है, अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजी के साथ, देन all your roles will play. What about you, Naman? Solo, for example, is now available in 6 countries. Very recently, we have set up our own distribution channel in Qatar to process, जैसे हम नई मार्केट में हम एंट्री करते हैं, to really understand, to take the feedback, process it out, कि आपको specific products थोड़े differ होते रहते हैं consumer preference से, to have that versatility in your setup to cater to that and to provide the relevant, you know, customer service, because brand जब कोई SME बनना चाहती है उनको customer service सबसे ज़्यादा important होती है. और आपको अपने product की knowledge सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप किसी भी customer need को cater कर पाओ. तो वो customer जो service है वो आप fulfill ही नहीं कर सकते अगर बस technology setup ना हो to really push your product out and global and even portray yourself, because अगर वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी के फ्रंट के अंदर और आप थोड़ी अंडर डेवलप्ड हो, इट रियली माइट नॉट वर्क फॉर यू. यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ टू द स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री यू आर वर्किंग विद, एटलीस्ट इफ इट्स अबव. तो वो एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है. एंड व्यान, व्हाट आर योर थॉट्स? वेल, मार्केटिंग वी आर इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न ओनली. आपके जितने वायरल कैंपेन्स होते हैं बाहर से ही आते हैं. बट गैप ये रहता है कि इंडियन माइंड सेट पर आप कैसे फिलअप कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, बहुत बहुत आसान है. बट जब ब्रांड्स यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल इंडियन ही सोचते हैं. अच्छा. तो उसके लिए आप क्या क्या टूल्स यूज़ करते हो और उनके माइंड सेट को कैसे रीड कर सकते हो और कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो और वो क्लिक हो जाए? ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो आते हैं जो सक्सेस नहीं पाते और जो आते हैं और सक्सेस पा लेते हैं. तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आप टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, आप आज कुछ देखेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते आपको कुछ और देखने को मिल जाए. अगर आप फास्ट नहीं है अपने अडेप्शन, जो आपको होता है ना, अगर आपने जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करा तो आप पीछे रह जाएंगे. तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है, आपकी इंडस्ट्री को सूट करती है, उसी को आपको जल्द से जल्द उस चेंज में आपको आना चाहिए. अगर आप वो नहीं करते तो कुछ लोग ट्रैप में फंस जाते हैं. हाँ, तो वो एक इशू रहेगा हमेशा. स्पेशली यंग जनरेशन जब आ रही है, मतलब द फोकस शुड बी टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. आप मतलब कि आप एंटिसिपेट करके आपको ऑलरेडी प्लान करना पड़ेगा कि अगला स्टेप हमें क्या लेना है ताकि हम आगे रहें. वी कांट अफोर्ड टू कैच अप नाउ. और फाइनली अगर मैं बात करूँ तो यू नो SMEs के लिए, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन ऑफ योर्स, SMEs के लिए व्हाट हैज़ बीन योर सक्सेस मंत्रा अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी? वेल, ऑनेस्टली द
फर्स्ट मंत्र आई वुड गिव इज टाइम मैनेजमेंट. अगर आप अपना टाइम नहीं मैनेज कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते, और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. एंड सेकेंड इज ओनिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आपने कुछ सही किया है गिव योर सेल्फ क्रेडिट, अगर आपने कुछ गलत करा है सो लर्न फ्रॉम इट एंड मूव फॉरवर्ड. डोंट हैव अ सैड माइंड और कि क्या कर दिया मैंने, नहीं, मूव फॉरवर्ड, लर्न फ्रॉम इट एंड गो अहेड. दैट्स माय सक्सेस मंत्र. व्हाट अबाउट यू नमन? सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो काफ़ी देखने का है कि दिन पे दिन लोग कहते हैं हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, इसको मेंटल बैरियर बना के वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. सबको ये रियलाइज़ करना है कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो. आप उसी के अंदर, अगर आप उसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करोगे आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे अपने गोल्स. तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको बिज़नेस के अंदर कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर बिज़नेस के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको उतने ही पैसे चाहिए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो दैट हैज बीन योर सक्सेस मंत्र ऑन दिस. एंड व्हाट अबाउट यू व्यान? आई कॉल इट अ स्किल, लर्नेबिलिटी. ओके, कीप लर्निंग, दैट्स इट, एंड पुट योर एफर्ट, दैट्स इट. Alright, thank you gentlemen for joining us on International SME Day special यहाँ जागरण पर. I hope आपको तीनों entrepreneurs से कुछ सीखने को मिला होगा technology adoption के बारे में भी, और business और life के success mantras के बारे में भी. So thank you Arjun, Vihan and Naman for joining us on this special presentation. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. And to all of you guys from the SME and MSME world, happy International SME Day to you.